एमपी में भारी बारिश का दौर जारी है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, तो वहीं सोमवार के लिए भी मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश के मौसम की सारी जानकारी हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। सोमवार के लिए मौसम विभाग ने श्योपुर, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अधिकांश जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बात की जाए बीते दिन की, तो एमपी में भारी बारिश के बाद अब डैमों के गेट खुलने लगे हैं। बैतूल के सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए, जिससे 78,000 क्यूसेक पर सेकेंड पानी छोड़ा गया। डैम खुलने से पहले डैम के आसपास के गांवों को पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट पर रखा था। इधर नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। चालसर गांव में एक मकान की दीवार गिर गई, जिसमें दबने से एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पचमणी में लैंडस्लाइड से पहाड़ से सटा रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि एमपी में इस समय बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश ने आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसी कुछ स्थिति सीहोर जिले में भी देखने को मिली। यहाँ भी भारी बारिश से कई दुकानों में पानी भर गया। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। लोग अपना सामान भीगने से बचाते नजर आए। कई दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगे भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगले 2 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी 9 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये भी बता दें कि इस मानसूनी सीजन में 1 जून से लेकर 20 जुलाई तक मध्य प्रदेश में कुल 294.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में 9% कम है। लेकिन फिलहाल तो भारी बारिश के चलते कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है। वहीं कई जिलों में आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।